2021 राजस्थान में रविवार को बंद रहेगा इंटरनेट। 16 लाख परीक्षार्थियों का है मामला। राजस्थान में 26 सितंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा में नकल रोकने की अधिकतर जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने की घोषणा की है। जयपुर संभाग के सीकर, दौसा, अलवर व झुंझुनू में सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं जयपुर ग्रामीण में इंटरनेट बंद रहेगा। इस संबंध में संभागीय आयुक्त दिनेश यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि जयपुर शहर में इंटरनेट बंद करने को लेकर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। बीकानेर संभाग में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। संभागीय आयुक्त ने जारी किया आदेश। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीनगर में इंटरनेट बंद रहेगा। इसके अलावा बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व करौली में इंटरनेट बंद रहेगा। चित्तौड़गढ़ रीट परीक्षा को लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जिले में राजमी, भोपाल सागर और रावतभाटा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शनिवार को आदेश जारी किए हैं। लीज लाइन को इससे मुक्त रखा गया है। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। बड़े स्तर पर परीक्षार्थियों को राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन होगा। ऐसी स्थिति में फेक न्यूज, दुर्घटना की अफवाह में पेपर लीक अफवाह आदि से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक की ओर से पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए स्थिति का आंकलन कर संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग के अधिसूचना 7 अगस्त 2017 के अनुसार लोक सुरक्षा को देखते हुए संभागीय आयुक्त की ओर से इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। 1 घंटे पहले पहुंचना होगा जरूरी। रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि परीक्षार्थियों को आवश्यक सूचना जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। पहली पारी में सुबह 9:30 बजे के बाद, दूसरी पारी में 2 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक परीक्षा केंद्र में एंट्री जरूर होगी। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र सुबह 8:30 बजे खुले रहेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर 6 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। जय हिंद।